नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन चैनल में। दोस्तों, ये कुछ हमारे सोशल लिंक है जिससे आप हमसे सीधे जुड़ सकते हैं, और अगर आप चाहो तो क्लासेस और नोट्स इंस्टा मोजो पर जाकर खरीद सकते हैं। दोस्तों प्लीज़ आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लीजिए। अनअकैडमी में आपको सारे विषयों के वीडियोज़ मिल जाते हैं, हमारे वीडियोज़ भी आपको अनअकैडमी पर मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया हुआ है जहाँ पर आप जाके हमें फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, भारतीय राज्य व्यवस्था के आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं मौलिक अधिकार पे, समानता का अधिकार पे। अनुच्छेद 14 से लेके 18 तक जितने भी चीज़ें हैं उन पे हम बात करने वाले हैं। ये मौलिक अधिकार का दूसरा क्लास है। इससे पहले भी हम मौलिक अधिकार का एक क्लास ले चुके हैं। अगर आपने वो क्लास नहीं देखा है तो प्लीज़ वो क्लास जाकर पहले देख लीजिएगा, ठीक है। इसके साथ साथ अनुच्छेद 12 और अनुच्छेद 13 ये भी इम्पॉर्टेंट है। इसमें क्या क्या चीज़ें हैं इस पर भी हम बात करने वाले हैं, ठीक है। तो दोस्तों पूरा वीडियो आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, आज का क्लास काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले बात करेंगे हम अनुच्छेद 12। तो देखिए, ये अनुच्छेद 12 है वो राज्य की परिभाषा बतलाता है। अगर आप मौलिक अधिकार पढ़ेंगे तो वहाँ पे हर जगह राज्य शब्द लिखा हुआ होता है, तो उस राज्य शब्द की परिभाषा क्या है। यहाँ पे राज्य का मतलब स्टेट नहीं है, स्टेट या प्रांत नहीं है, ठीक है। राज्य मतलब विभिन्न तरह की सरकारें हैं जो भिन्न भिन्न तरह से कार्य करती है, तो ये चीज़ हम पढ़ने वाले हैं। संविधान के भाग 3 मूल अधिकारों से संबंधित उपबंध में राज्य शब्द का प्रयोग हुआ है, जिसका अर्थ अनुच्छेद 12 में परिभाषित है, जिसके अनुसार राज्य में निम्न निम्न तत्व शामिल है। क्या क्या तत्व शामिल है हम बात करते हैं। केंद्र में क्या है, कार्यकारी एवं विधायी अंगों को प्रभावित करने वाली सरकार और संसद, ठीक है। कार्यकारी अंग को जो प्रभावित करता है और जो विधायी अंग को प्रभावित करता है और संसद, ठीक है। मैंने ब्रैकेट में लिख दिया है लोकसभा व सरकार। कार्यकारी अंग मतलब जैसे जितने भी मंत्रीगण हो गए, प्रधानमंत्री हो गया, और उसके अंतर्गत जितने भी केंद्रीय मंत्री हो गए, ठीक है। विधायी अंग मतलब जो कानून बनाता हो, जैसे कि आपका लोकसभा हो गया, राज्यसभा हो गया, ठीक है। तो ये सारी इसको प्रभावित करने वाली जितनी भी सरकार होगी वो इसके अंतर्गत इसको बताया गया है, और राज्य में यही सारी चीज़ें राज्य के टर्म में बताया गया है, ठीक है। राज्य के विधायी अंगों को प्रभावित करने वाली सरकार और विधानमंडल, तो मैंने ब्रैकेट में लिख लिया है, शॉर्ट में आप समझिएगा, विधानमंडल व सरकार। मैंने विधानमंडल यहाँ पे इसलिए लिखा है क्योंकि कई राज्यों में विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद भी होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझना है। उसके बाद बात करते हैं जिला में, तो सभी स्थानीय निकाय जैसे नगर पालिकाएँ हो गई, नगर पंचायत हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें भी आपको इसमें शामिल करना है, और इसके साथ साथ कुछ अन्य संस्थाएं जो वैधानिक या गैर संवैधानिक भी हो सकता है। गैर संवैधानिक मतलब जिसका संविधान में उल्लेख नहीं होता फिर भी वो संस्था विद्यमान होती है, ठीक है। जैसे LIC हो गया, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन हो गया, ठीक है। उसके बाद सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडियन लिमिटेड हो गया, ONGC हो गया, अर्थात जिस संस्था से सरकार पैसों का लेन देन करती है, ये इस तरह की संस्था आपको ये समझना है। तो ये सारी चीज़ जो है राज्य का रूप है। इस तरह संविधान में राज्य को विस्तृत रूप से परिभाषित किया गया है। इसमें शामिल इकाइयाँ, ये जितनी भी इकाइयाँ हैं, ठीक है, उसको न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है अगर ये मूल अधिकारों का हनन करता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ आपको समझना है। उसके बाद बात करते हैं अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 13 क्या कहता है, संघ एवं राज्य। संघ मतलब केंद्र हो गया, और राज्य तो संघ केंद्र सरकार और राज्य सरकार कोई ऐसा कानून नहीं बना सकता जो मूल अधिकारों को छीनता है, ठीक है। और इसकी कौन मूल अधिकार की रक्षा कौन करता है, तो न्यायालय करता है। देखिए, यह शक्ति उच्चतम न्यायालय को अनुच्छेद 32 के तहत और उच्च न्यायालय को अनुच्छेद 226 के तहत, ये दोनों अनुच्छेद आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल नंबर 32 के तहत कौन किसको शक्ति दी गई है, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, उच्चतम न्यायालय, और आर्टिकल नंबर 226 के तहत उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट को ये शक्ति प्राप्त है जो किसी विधि को मूल अधिकार का उल्लंघन करने पर किसी भी कानून को गैर संवैधानिक या अवैध या जिसे हम शून्य कह देते हैं घोषित कर सकती है। तो ये शक्ति जो है अनुच्छेद 13 में बताई गई है। तो चलिए, अनुच्छेद 12 और 13 हमने पढ़ लिया। अब आज का जो टॉपिक है समानता का अधिकार, अनुच्छेद नंबर 14 से लेकर अनुच्छेद नंबर 18, उस पर हम अच्छे से बात करने वाले। देखिए, भारतीय संविधान के भाग 3 के अंतर्गत अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक समानता का अधिकार का उल्लेख किया गया है। तो सबसे पहले हम अनुच्छेद 14 से लेकर 18 में क्या क्या चीज़ें हैं बस वो
शीर्षक देख लेते हैं, उसके बाद एक एक का हम अच्छे से पढ़ेंगे, एक एक अनुच्छेद को हम पढ़ेंगे। अनुच्छेद 14 में है विधि या कानून के समक्ष समानता, अनुच्छेद 15 में है सामाजिक समानता अर्थात धर्म, मूल, वंश, जाति या लिंग हो गया, या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 16 पे है अवसरों की समानता, शासकीय जो अवसर हैं, ठीक है, जो जितनी भी नौकरियां हैं आपको मिलती जो हैं उन पे जो है समानता की बात करती है। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता या छुआछूत का अंत, और अनुच्छेद जो है 18 उपाधियों का अंत। तो हम एक एक करके अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे अनुच्छेद 14। तो ये जो अनुच्छेद 14 है विधि के समक्ष समानता, तो इसमें क्या क्या बातें हैं उसको हम देखने वाले हैं। अनुच्छेद 14 में कहा गया है कि राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समानता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं कर सकेगा, ठीक है, वंचित नहीं कर सकेगा। तो देखिए यहाँ पे दो बातें बोली गई हैं, विधि के समक्ष समानता और विधियों के समान संरक्षण। इसमें कुछ कुछ ये दोनों चीज़ें जो है बिल्कुल अलग हैं, ठीक है, और ये क्या चीज़ें हैं हम उसको अभी जस्ट समझाने वाले हैं। देखिए इसका अर्थ है कि राज्य सभी व्यक्तियों के लिए एक समान कानून बनाएगा और उन पर एक समान लागू भी करेगा, ठीक है। तो चलिए इन जो दो चीज़ें मैंने बताई उनका अर्थ भी हम समझ लेते हैं। पहला हम बात किए विधि के समक्ष समानता, तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये ली कहाँ गई से है, कहाँ से प्रेरित है। तो ये ब्रिटेन से लिया गया है विधि के समक्ष समानता। इसका अर्थ क्या होता है, कानून या न्यायालय के समक्ष सभी व्यक्ति समान हैं, कानून या न्यायालय के समक्ष सभी व्यक्ति समान हैं और उनके साथ एक जैसा व्यवहार हो, अमीर गरीब, ऊंचा नीचा, ठीक है, या अधिकारी गैर अधिकारी के आधार पर भेदभाव नहीं हो सकता, किसी को विशेषाधिकार नहीं दिया जाता विधि के समक्ष समानता के तहत। लेकिन एक और टर्म होता है विधि का समान संरक्षण, जो अमेरिका से प्रभावित है, यूएसए से लिया गया है। इसका अर्थ होता है अनुपातिक समानता, अर्थात समान परिस्थितियों में समान कानून और असमान परिस्थितियों में असमान कानून। इस पे अगर आपको कन्फ्यूज़न होता है तो मैं एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ आपको। देखिए समान परिस्थितियों में समान कानून मतलब अगर कोई आम इंसान है, आम बंदा है, ठीक है, तो दो आम इंसान पे अगर केस चल रहा है और दोनों ने एक ही तरह की जो है गतिविधियाँ की है, चलिए एक जो दोनों ने क्या किया है, कार से किसी को कुचल दिया, किसी को कार से ठोक दिया है, ठीक है, तो इन पे जो केस होगा वो एक ही तरह का होगा। मतलब समान परिस्थितियों में समान कानून मतलब दोनों आम आदमी हैं और दोनों पे समान कानून लगेगा। असमान परिस्थितियों में असमान कानून मतलब असमान, जैसे कि एक आम इंसान से कोई जुर्म हो गया है और एक राष्ट्रपति या राज्यपाल से, तो ये असमान परिस्थिति हो गया, ठीक है, क्योंकि राष्ट्रपति हो गया, राज्यपाल हो गया या संसद के जो सदस्य होते हैं उनको कुछ विशेष अधिकार प्राप्त होता है, उनको हम समान कानून के तहत उनको गिरफ्तार नहीं कर सकते और अन्य तरह के कानून उन पर लागू नहीं होता। तो ये चीज़ कहलाती है अनुपातिक समानता, ठीक है, ये जो अमेरिका से प्रेरित है। तो यही चीज़ मैंने यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दिया है, एक समान आदमी के लिए एक समान कानून और आम आदमी राष्ट्रपति राज्यपाल हो गया या संसद के सदस्य आदि के लिए कानून का प्रत्यारोपण, प्रत्यारोपण आप याद रखिएगा, प्रत्यारोपण मतलब लागू होना, इसको हाईलाइट कर लीजिएगा, ठीक है, कानून का लागू होने का जो तरीका है इन दोनों पे अलग हो सकता है। ये पहली बात ये कहता है कि कानून के सामने सब तो समान है, लेकिन दूसरी बात क्या कहती है कि लागू होने के जो तरीके हैं वो अलग तरीके से हो सकता है, अलग अलग हो सकता है। तो ये इनका अपवाद है, जो जैसे कि हम देखते हैं अनुच्छेद 361 में राष्ट्रपति और राज्यपाल के विशेष अधिकार, मतलब राष्ट्रपति और राज्यपाल से अगर कोई गलती होती है तो इनका कुछ विशेष अधिकार है जिनके तहत आप इसे गिरफ्तार नहीं कर सकते, इनका कुछ जो भी एक अधिकार रहता है उसके तहत ही इनको जो है कानून के तहत इसको आगे प्रोसीजर जो होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझना है कि जो राष्ट्रपति हो गया, राज्यपाल हो गया, इनको अगर आपको गिरफ्तार करना है तो इनका जो प्रोटोकॉल होता है उनके तहत कार्य करना पड़ता है। अनुच्छेद 105 में संसद के सदस्यों के विशेष अधिकार की बात करता है, जो संसद के सदस्य होते हैं, ठीक है, उनके भी कुछ विशेष अधिकार होते हैं, तो ये एक 105 में आपको मिल जाएगा। अब अनुच्छेद 194 क्या कहता है, राज्य के विधानमंडल के सदस्यों का विशेष अधिकार,
तो राज्य की जो होती हैं विधानमंडल, ठीक है, विधानमंडल में आपका विधान सभा और विधान परिषद दोनों आ जाता है, तो इनके सदस्यों का भी विशेषाधिकार है, ये 194 में आपको दिया हुआ है। इसके साथ साथ विदेशी राजदूत, ठीक है, जो दूसरे देश के राजदूत हैं वो भारत में भी रहते हैं, तो इन पे जो है हमारा कानून लागू नहीं हो सकता, ठीक है। इनका विशेषाधिकार का भी उल्लेख अनुच्छेद 194 में किया गया है। इसके साथ साथ आपको एक टर्म देखने को मिलता है, युक्ति युक्त संबंध। तो ये क्या चीज़ होता है, इसको भी मैं आपको समझाने वाला हूँ। अभी यहाँ पे आपको यहाँ पे दो तीन चीज़ें देखने को मिलती हैं युक्ति युक्त संबंध में। एक तो भौगोलिक दशाओं के आधार पर भेदभाव किया जा सकता है, कर लगाने के आधार पर, ठीक है, राज्य के पक्षों में विभेद किया जा सकता है, और विशेष मामलों के लिए विशेष न्यायालय की स्थापना की जा सकती है। तो इसमें क्या क्या चीज़ हैं मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, जैसे कि भौगोलिक दशाओं के आधार पर भेदभाव किया जा सकता है, भौगोलिक दशाओं के आधार पर भेदभाव किया जा सकता है, इसको मैं आपको देखिए, ये अगर भारत हो गया, ठीक है, और इधर नॉर्थ ईस्ट है, इधर पहाड़ी इलाका है, तो यहाँ के जो लोग होते हैं इनके शरीर का बनावट कुछ अलग तरीका होता है, और जो मैदानी भाग में होते हैं, ठीक है, व्यक्ति, इनके शरीर का बनावट कुछ अलग तरह का होता है। इस तरह के जो पहाड़ी इलाके के जो लोग होते हैं उनका जो कद होता है, जो हाइट होता है, थोड़ा कम होता है, ठीक है, और मैदानी इलाकों का जो है हाइट जो है थोड़ा ज़्यादा होता है। तो क्या इनको सेना में भर्ती होने का जो है अधिकार नहीं है? बिल्कुल है, ठीक है। तो इन पे ये जो है कानून कुछ अलग तरह का बनेगा। अगर इनके लिए मापदंड होगा 5 फुट, तो हो सकता है इनके लिए 4 फुट किया जाए। तो इस तरह से भौगोलिक दशाओं के आधार पर भेदभाव किया जा सकता है। दूसरा बात करते हैं कर लगाने के आधार पर, तो ये होता है आय के आधार पर, जिनका जो इनकम ज़्यादा होगा उनको ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा, और जिनका कम है उनको कम टैक्स करना पड़ेगा, कम टैक्स देना पड़ेगा। तो इस आधार पे भेदभाव किया जा सकता है। राज्य के पक्षों में विभेद, जैसे कि जम्मू कश्मीर को ले लीजिए, इनका अलग संविधान है, तो इन पे हमारा जो कानून लागू नहीं होगा, तो इस तरह से यहाँ पे भेदभाव हो जाता है, ठीक है। विशेष मामलों के लिए विशेष न्यायालय की स्थापना की जा सकती है, जहाँ का कानून भी अलग होता है, हमारा सामान्य कानून यहाँ पे भी लागू नहीं होगा। तो इस तरह से ये आपको समझना है युक्ति युक्त संबंध में जो भेदभाव किया जा सकता है। तो देखिए, यहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार अनुच्छेद 14 में उल्लेखित विधि के समक्ष समानता या विधि का शासन को संविधान का मूल तत्व कहा जाता है, ठीक है, और जो मूल तत्व होता है वो समाप्त नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो अनुच्छेद 14 को किसी भी तरह समाप्त नहीं किया जा सकता, इवन संविधान संशोधन करके भी आप इसे समाप्त नहीं कर सकते। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार ये सारी चीज़ें हैं, ये आपको याद रखना है। अब अनुच्छेद 14 हम देख लिए, अब बात करेंगे अनुच्छेद 15 पे। अनुच्छेद 15 क्या कहता है? धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर आप भेदभाव नहीं कर सकते, ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे बात किया जाता है। इसके अनुसार राज्य द्वारा धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आदि आदि के आधार पर नागरिकों के प्रति जीवन के किसी भी क्षेत्र में भेदभाव नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो इसको क्या है, तीन चार भागों में बांटा गया है, एक एक पे हम बात करेंगे। जो पहला है 15A, 15A, उसमें क्या है, यही चीज़ है, ठीक है। राज्य धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। अनुच्छेद 15(2) में क्या है, किसी भी भारतीय नागरिक को सार्वजनिक स्थानों में जाने से नहीं रोका जा सकता। सार्वजनिक स्थान मतलब जैसे नदी तालाब हो गया, मंदिर हो गया, ठीक है, हॉस्पिटल हो गया, तो इन जगहों पे आप किसी भी नागरिक को जाने से नहीं रोक सकते। अनुच्छेद 15(3) में क्या है, राज्य द्वारा महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष उपबंध बनाए जा सकते हैं। देखिए, अनुच्छेद 15(1) और 15(2) में जो बातें हैं उनको महिलाओं और बच्चों के लिए बदला जा सकता है, विशेष उपबंध बनाए जा सकते हैं, ये चीज़ लिखा हुआ है अनुच्छेद 15(3) में, ठीक है। अनुच्छेद 15(4) में राज्य सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों या अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के विकास के लिए, किस चीज़ के लिए, यहाँ पे मैं हाईलाइट कर रहा हूँ क्योंकि 15(4) और 15(5) में आप कंफ्यूज हो सकते हैं, इसके विकास के लिए विशेष उपबंध बनाती है। जबकि 15(5) में क्या है,
यही चीज है, बस यहाँ पे क्या है, विकास नहीं शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश की छूट देती है किनको, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति या सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जो पिछड़े वर्ग हैं उनको शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश में छूट देती है और ये विकास के लिए उपबंध बनाती है। तो ये दो चीज़ हैं जिन पे आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है। तो चलिए हम अनुच्छेद 14 पढ़ लिए, 15 पढ़ लिए, अब बात करेंगे हम अनुच्छेद 16, आर्टिकल नंबर 16। ये क्या कहती है, शासकीय सेवाओं में अवसरों की समानता। इसके तहत राज्य के अधीन किसी भी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी, ठीक है। लेकिन इसके कुछ अपवाद हैं, जैसे आप सभी को पता होगा अनुसूचित जातियों को नौकरियों में कुछ आरक्षण दिया जाता है अलग तरह से जनजातियों को पिछड़ा वर्ग में, ठीक है। तो यही चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे। अनुच्छेद 16(1) में यही चीज़ ही लिखा हुआ है, क्या सभी नागरिकों के लिए अवसर में समानता, ठीक है। अनुच्छेद 16(2) में क्या लिखा हुआ है, धर्म मूल वंश जाति लिंग जन्म स्थान के आधार पर आप क्या है अवसरों में समानता में आप भेदभाव नहीं कर सकते, ठीक है। अनुच्छेद 16(3) में क्या लिखा हुआ है, सरकार किसी पद को केवल राज्य के निवासियों के लिए आरक्षित कर सकती है, केवल राज्य के निवासियों के लिए। अब बहुत जब भी आप फॉर्म वगैरह भरते हैं नौकरियों का, ठीक है, तो आप कभी कभी देखते होंगे कि जैसे कि आप छत्तीसगढ़ के निवासी हों तो इस पोस्ट के लिए सिर्फ छत्तीसगढ़ के लोग एलिजिबल है, मध्य प्रदेश का इंसान इसको नहीं भर सकता, या अन्य उत्तर प्रदेश या आंध्र प्रदेश हो गया, ठीक है, इस तरह बाहरी राज्य के जो लोग हैं उसके लिए एलिजिबल नहीं होता। तो राज्य सरकार जो है, सरकार अगर चाहे तो किसी पद को राज्य के निवासियों के लिए आरक्षित कर सकती है। ये बात किस में है, अनुच्छेद 16(3) में। अनुच्छेद 16(4) में क्या है, ये इम्पॉर्टेंट है, पिछड़ी जातियों जो ST/SC के लिए जो लोक नियोजन में जो विशेष प्रावधान मिलता है वो इसके तहत मिलता है, ठीक है। तो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातियों को लोक नियोजन में विशेष प्रावधान मिलता है। अब इसका संशोधन करके अनुच्छेद 16(4) का भी सम्मिलित किया गया है। इसमें सिर्फ नौकरियों के प्रवेश में आरक्षण था, अब इसमें क्या कर दिया गया, पदोन्नति में, ठीक है, मतलब प्रमोशन पे भी आरक्षण डाल दिया गया। 77वां संविधान संशोधन 1995 के तहत पिछड़ी जातियों अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए लोक नियोजन में विशेष प्रावधान, पदोन्नति और बैकलॉग के पदों पर। बैकलॉग मतलब जो पीछे का, जो पिछले सालों का, ठीक है, पिछले वर्ष का जो सीट भरा नहीं रहता, ठीक है, उस पे फिर से जो क्या बोलते हैं वैकेंसी निकलता है उस पे भी आरक्षण मिल सकता है। अनुच्छेद 16(5) में क्या कहा गया है, किसी धार्मिक संप्रदाय से संबंधित अधिकारी, ठीक है, ये देखिए, धार्मिक संप्रदाय से संबंधित अधिकारी किसी अलग संप्रदाय का भी हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ कहा गया है कि उस संप्रदाय से नहीं है, कोई दूसरे संप्रदाय का है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखेंगे अब अनुच्छेद 17 और अनुच्छेद 18 पे। अनुच्छेद 17 अपृष्ठता या छुआछूत का अंत। इसके तहत अपृष्ठता के अंत के लिए इसे दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। अगर आप किसी से धर्म या लिंग, ठीक है, या जाति के आधार पर छुआछूत करते हैं तो वो एक दंडनीय अपराध हो जाता है। इसके तहत क्या है, 1995 में अपृष्ठता उन्मूलन अधिनियम बनाया गया था और इसका नाम परिवर्तित करके 1976 में सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम कर दिया गया, ठीक है, अपृष्ठता उन्मूलन अधिनियम का नाम परिवर्तित किया गया। फिर 1979 में अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति संरक्षण अधिनियम बनाया गया, ST/SC संरक्षण अधिनियम, ठीक है। तो इसी के तहत इनके लिए विशेष थाना, अनुसूचित जाति कल्याण थाना जो है बनाया जाता है, जिसके जो TI होते हैं, थाना इंचार्ज होते हैं, थाना प्रभारी होते हैं, वो DSP रेंज का होता है, ठीक। अब बात करेंगे अनुच्छेद 18, तो ये उपाधियों के अंत की बात करती है, ठीक है, मतलब सेना या शिक्षा, ठीक है, सेना में जो उपाधियाँ मिलती है, ठीक है, और जो शिक्षा में उपाधियाँ मिलती हैं जैसे डॉक्टर इंजीनियर इस तरह की उपाधियाँ मिलती हैं, और सेना में जो मिलती हैं परमवीर चक्र महावीर चक्र इस तरह की जो उपाधियाँ हैं, ठीक है, इसके अलावा अन्य कोई भी उपाधि राज्य द्वारा जो है प्रदान नहीं किया जाएगा। भारत का कोई भी नागरिक अगर अन्य देश से भी कोई उपाधि लेता है तो बिना राष्ट्रपति को सूचित किए या बिना राष्ट्रपति की आज्ञा से वो उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता,
ठीक है। देखिए, और जो भारत सरकार द्वारा जो भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री और सेना में परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र आदि जो पुरस्कार मिलता है वो अनुच्छेद 18 के तहत ही मिलता है। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है दोस्तों। तो ये आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए दोस्तों में, शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो थैंक यू दोस्तों, गुड बाय, नमस्कार।